हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में फिर एक बार से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर हमने कार्बन के बारे में बच्चों पढ़ लिया, अब हम आपका देखेंगे कि यौगिक क्या होते हैं। बच्चों अब सबसे पहले यौगिक देखते हैं, इसके बाद हम बात कर लेंगे आपके कार्बन के यौगिक का। तो यौगिक क्या है, तो देखिए कि जो बच्चों पदार्थ होता है, जो बच्चों आपको क्या होता है, पदार्थ होता है वह तत्वों से मिलकर बना होता है। वह किससे बना होता है बच्चों, तत्वों से मिलकर बना होता है। यह आप कह सकते हैं वह आपका तत्व भी हो सकता है, वह आपका तत्व भी हो सकता है और तत्वों से मिलकर भी बना हो सकता है। तो दोनों आपको क्या है बच्चों, पदार्थ है। तो पदार्थ के लिए आप एक टर्मोलॉजी जानते रहिए। पदार्थ क्या है, जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता, बस क्या बच्चों, जिसमें द्रव्यमान हो और जो क्या स्थान घेरे उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और आपका जो बच्चों पदार्थ होता है वो तत्व भी हो सकता है और तत्वों से मिलकर भी बना हो सकता है। मतलब पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन बच्चों। एक बच्चों हो सकता है कि जब तत्व आपके मिले तो एक निश्चित अनुपात में मिले, जब तत्व बच्चों मिले आपके एक निश्चित अनुपात में मिले, और हो सकता है जब आपके तत्व एक दूसरे से मिले संयुक्त हो तो अनिश्चित अनुपात में संयुक्त हो। और जब अनिश्चित अनुपात में संयुक्त होंगे बच्चों तो आपका क्या बनता है, मिश्रण बनता है। और जब निश्चित अनुपात में संयुक्त होते तो आपका क्या बनता है बच्चों, यौगिक बनता है। तो यहाँ से क्या निकल के आई आपके सामने, यौगिक का टर्मोलॉजी, यौगिक का डिफिनीशन। तो जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, संयुक्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक कहते हैं। तो यौगिक क्या है बच्चों, यौगिक मतलब कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है बच्चों, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्व तो आपस में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं बच्चों। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, आपका हम यौगिक कहते हैं। और एक चीज, एक बात, आपका जो यौगिक का गुणधर्म होगा तत्वों के गुणधर्मों से अलग होगा। तो ये नोट में लिख लीजिए बच्चों, नोट में जानते रहिए, यौगिक का गुणधर्म बने तत्वों के गुणधर्म से, बने तत्वों के गुणधर्म से अलग होता है। तो यौगिक का जो गुणधर्म होता है बच्चों वह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उससे बच्चों उसका गुणधर्म अलग होता है। तो यदि हम बात करें कि कुछ यौगिक के, जैसे बच्चों आपका जल H2O, इसका नाम क्या है बच्चों, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। तो डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है। अब ये बात करें बच्चों हम जल का, तो जल में कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो 2:1 हो गया बच्चों। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान निकला बच्चों, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 1.008 होता है। लेकिन आप क्या लीजिए बच्चों, 1 लेकर चलिए,
तो कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, 2 × 1, तो जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकला वो कितना निकल गया बच्चों, 2 निकल गया। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 8 होता है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। तो 16 आ गया, तो 2 × 16, या बच्चों देखिए 2 से यहाँ कर सकता है और यहाँ पर 2 × 16, तो जो रेशियो निकल के आया, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि 2 × 1 = 2 आया और 16 आ गया बच्चों। यदि इसे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा और 2 × 8 = 16 आएगा। तो जो रेशियो निकल के आया बच्चों, क्या निकल के आया, 1:8 आया। तो कहने का मतलब जब हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो आपका जल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये डिफिनेशन रहा आपके यौगिक का और ये एग्जाम्पल रहा। अगर बच्चों आपको मिश्रण जानना हो और समांगी मिश्रण जानना हो और विषमांगी मिश्रण जानना हो तो उसके लिए भी लेक्चर हम बना देंगे, लेकिन यदि आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखें। तो यदि आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि कोई आपको डाउट्स बचा हो तो कमेंट बॉक्स में बच्चों छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।